वो जैसे एक मुक्का था मेरे नाक के ऊपर। एज में हमारी एज 18 साल। मैं आया हुआ हूँ आज स्टार्टअप के महाकुंभ के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे, अब चाहे वो AI से जुड़े हुए हों या फिर वो फाइनेंस के हों, फूड के हों या फिर और भी चीज़ों के हों। और ये लगा हुआ है दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर। इसकी जो डेट्स हैं वो है 18, 19 और 20। आज 18 है और कुछ इस तरह का आपको विजिटर पास लेना होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सबसे मेन कि बनाना चिप्स तो पूरी दुनिया में मिलते हैं, इनमें क्या खास है और आप कैसे आए शार्क टैंक के ऊपर? दैट इज अ वेरी इजी आंसर। सो यू कैन अप्लाई थ्रू सोनी लिव ऐप एंड अ टीम फ्रॉम शार्क टैंक विल रीच आउट टू यू एंड देन देयर विल बी अ सीरीज ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट यू विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर शूटिंग। टेस्ट कराओगे नहीं कराओगे? हां कराओ। देखो ये तो बता दो कि जो मैंने आपसे पूछा कि बनाना चिप्स तो हर जगह मिल रहे हैं, इनमें क्या खास है? सो यूजुअली व्हाट यू हैव सीन इन बनाना चिप्स इज दैट इज sometimes it is very strong, very kadak, sometimes it is soggy, sometimes it is not giving a consistent experience when it comes to the chips. That is what we are bringing. We are bringing standardized and branded format, so which means that always there is a trust factor that the consistent experience will be there. Same होंगे एक तरह से। तो normally जो खाते हैं हम उसमें क्या होता है, या तो फीका फीका लगता है healthy के चक्कर में मजा नहीं आ रहा, chips भी खा रहे हो वो वाला scene हो जाता है। This is the plain original style version. Thank you so much sir, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी आपको हिंदी भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। All the best. सो गाइस देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो चम्मच है इसको हम खा सकते हैं, तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये किससे बना हुआ है, थोड़ा बताएंगे? ये खाने वाला चम्मच है, ये चम्मच जुअर से बना हुआ है। तो ये चम्मच को आप सूप चावल वगैरह में यूज़ करके उसके बाद खा सकते हो बिस्किट के जैसा। अच्छा, और जो ये स्ट्रॉ है ये किससे बना हुआ है? ये स्ट्रॉ राइस से बना हुआ है, इसको भी आप यूज़ करके खा सकते हो। हमारा मकसद ये था सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए ऑल्टरनेटिव बनाना था। ओके। और अभी वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है, इसीलिए जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। भाई अच्छी बात, देखो ये बैटरी से भी चलती है और ऐसे भी चलती है, ऐसे भी चल रही है एंड अब अगर मैंने पैडल छोड़ दिए तो ऐसे भी चल रही है। मजा आ रहा है सर, इससे ही घूमूंगा पूरा। सर ये बता दीजिए इसका प्राइस क्या रहेगा? ये 50,000 का है, अब जो ग्रीन वाला खड़ा हुआ है वो 35,000 का है। ओके। एक अपकमिंग मॉडल है जो 30,000 में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और सर अगर जैसे नॉर्मली इसकी बैटरी का जो चार्ज करते हैं और कितना किलोमीटर तक रहता है? जो बेसिक साइकिल है जी, अगर उसको अपन चार्ज करते हैं 2 घंटे का चार्जिंग टाइम होता है। ओके। वो एक चार्ज में 35 किलोमीटर चलती है और बिजली का खर्चा सिर्फ 2 रुपये का आता है। ओनली 2 रुपये में 35 किलोमीटर की आप कवरेज कर सकते हैं। ओके। अमेजोन के थ्रू हम फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग देते हैं कस्टमर को। Biggest challenge you as a founder you face or as a startup you face? So the challenge is in explaining and educating people as to what we are exactly doing. I think that's the biggest challenge that we are facing right now. So guys, हमारे साथ हैं यहाँ पे साईराज ब्रो। Hi bro. Hello. आपको जैकफ्रूट से कैसे मतलब आइडिया आ गया कि जैकफ्रूट के साथ? यार जो सब करते हैं वो हम क्यों करें? नहीं, एक्चुअल में क्या रीजन था, ये रीजन था या आइडिया कैसे आया? So honestly ऐसा है कि जैकफ्रूट ना हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं जी, पर एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि द न्यू सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैक फ्रूट। तो वो जैसे एक मुक्का था मेरे नाक के ऊपर कि यार इधर तो कटहल हमारे बैकयार्ड में गिरता था, सड़ता था, कोई खाता नहीं था, उठाता नहीं था। ओके। और यार दुनिया बोल रही कि ये सुपर फूड है, तो कुछ तो उसमें अलग होनी चाहिए। तो मैं देख उसमें थोड़ा रिसर्च करने लगा, पढ़ने लगा उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि वो जैक फ्रूट नहीं है, वो एक जैकपॉट है। वैसे ये जो स्टार्ट हुआ था आपका, ये सब सोचना कौन सी एज में हुआ था? यार एज में 3 साल पहले। तो 3 साल पहले, राइट नाउ यू आर? सो आई एम 35। ओके। तो मैं लगभग 32 के आसपास था, मैं 31-32। ओके। व्हेन दिस थॉट एंड दिस आइडिया केम आई वाज अराउंड 31। अब मैंने उसके पहले 3 और स्टार्टअप्स किए थे, ये मेरा 4th स्टार्टअप। पहला तो आई एम अ लॉयर बाई एजुकेशन, तो मैंने 1 साल लॉ प्रैक्टिस की, हार्ड कोर क्रिमिनल लॉ। फिर मैंने सोलर्स का एक स्टार्टअप चालू किया, फिर मैंने लाइटिंग का, LED लाइट्स का एक स्टार्टअप किया, फिर मैंने एक वेरी यूनिक काइंड ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट किया, उसके बाद 4th वाला वकाउ हो गया। ओके। सो हाँ, सो मुझे तो इसमें हमेशा ना, जब मैंने वंस आई लेफ्ट लॉ, तब से मेरा एक ही ड्रीम था कि एक ऐसे ब्रांड बनाऊँ जिसे लोग कहेंगे गोवन ब्रांड और गर्व से कहेंगे मेड इन इंडिया और जाएगा पूरी दुनिया में। तो वो हमेशा एक ड्रीम था, पर वो प्रोडक्ट क्या था वो मालूम नहीं था, उसके खोज में मैं था। जब ये आर्टिकल पढ़ा और उसमें थोड़ा डीप जाने लगा, तब मुझे समझ में आया कि ये हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, कटहल। वैसे जो आपका ये नेम है वकाओ, कैसे मतलब ऐसी रैंडमली या क्या?
कोई रीजन था? रैंडम तो नहीं, तो वी हैड एन एजेंसी जो काम कर रही थी. मेरा मानना हमेशा ये है कि जो चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो वो करने के लिए एक अच्छी एजेंसी लाओ. तो मेरा ब्रीफ तो इतना ही था कि मैंने उन्हें कहा, मनीष है नाम उसका, तो मैंने मनीष को कहा कि यार मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो विच में मीन नथिंग, विच कुड बी एब्सोल्युटली एब्स्ट्रैक्ट, पर कोई एक बार सुनेगा ना भूलना नहीं चाहिए. हाँ, भूलेगा नहीं बिल्कुल. तो बहुत सारे 200-300 नाम थे, उनमें से एक था वकाओ. और 200-300 नाम? हाँ, बहुत सारे नाम थे, अलग अलग नाम थे. सच में इतने नाम सोचे आपने? मैंने नहीं, उसने मतलब उन्होंने सोचे, उन्होंने सोच के हमें दे दिए कि हम. तो एक साइंटिफिक तरीका होता है नाम निकालने का, पिरामिड टेक्निक बोलते हैं उसको. मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो सिर्फ नाम देखता था, सुनता था, 4-5 बार बोलता था, और मुझे वकाओ बहुत अच्छा लगा. आई फील देयर वाज अ रिंग टू इट. ओके. और आज हमारा सबसे बेस्ट चीज जो है वो हमारा नाम है. रॉ जैकफ्रूट 4 वेरिएंट्स में करते हैं, चौथा वाला नहीं है, पर ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये मिंस्ड है खीमा जैसा, और एक क्यूब्स का है. ये बर्गर पैटीज है जो हम बनाते हैं. ये हम दुनिया में पहले लोग हैं जो सॉसेजेस बनाते हैं जैकफ्रूट से. ये जैकफ्रूट का पल्प है, फिर हम जैकफ्रूट का ग्रेवी बनाते हैं. बटर जैक जो एक बटर चिकन जैसे होता है उसको हम जैकफ्रूट में डाल के बनाते हैं. तो ये बटर जैक है, फिर बारबेक्यू जैक है, और ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो एम्बियंट टेम्परेचर के है. उसको कोई रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है. 1 ईयर का शेल्फ लाइफ है और 0 प्रिजर्वेटिव्स है. और अगला नंबर किसका लगा रहे हो अभी? तो कटहल का तो लगा दिया, और कौन सा ऐसा यूनिक लाने वाले कुछ? वो अभी तक सोचा नहीं है, पर मैं कभी ना नहीं बोलता किसी चीज़ के लिए. अभी तो कटहल का पूरा इको सिस्टम करना है हमें. तैयार करना है. So आप खुद ही ग्रो करोगे पूरा? हम ग्रो नहीं करते, मतलब तो हम क्या करते हैं ना, सब काम खुद नहीं करते. ओके. वी वर्क विद द फार्मर्स, फार्मिंग इकोसिस्टम्स, उनको हेल्प करते हैं, वो ग्रो करके हमें देते हैं, फिर हम बनाते हैं. तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया हमने, और वो बनाने में 3 साल लगे हैं. तो अभी वो सब ग्रो करना है, मतलब विजन तो वही है आपका. बहुत अच्छा लगा मिलके. थैंक यू गाइस. देखो, जिनके भी घर में ना उनकी मम्मियां उनको नॉनवेज नहीं खाने देती, तो हमारे साथ हैं सर. सर ने जुगाड़ ढूंढ लिया है. हाय सर. हाय. तो सर बता दो क्या जुगाड़ है? ये लिए हमने वेजिटेरियन मीट डेवलप किया है. हम जैसे घर पे मूंग दाल, पी प्रोटीन, सोया प्रोटीन ये सब खाते हैं, उन सबको हम कम्बाइन करके एक मीट फॉर्म क्रिएट किया है. कैसे? दूसरा, हम कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, पाम ऑयल ये कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि राइट नाउ पीपल आर गेटिंग हेल्थ. मैं कह रहा हूँ अंकल जी, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप. थैंक यू वेरी मच. ये तो आपकी निगाह खूबसूरत है जो देख रही है. हम तो हैं ऐसे ही. एज में हमारी एज 18 साल. हाँ जी, आप दौड़ लगा के देख लें. अगर मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी इतने एक्टिव रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे उनसे सीखें, हम सब उनसे सीख रहे हैं. बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू. सो गाइज, देखो आज के लिए इतना ही. ये जो आपका इवेंट है ये 2 दिन और चलने वाला है, 19 मार्च और 20 मार्च को. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.